गुड एवरीवन, वी आर डूइंग रिवीजन फॉर आर फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस, और जिसमें हमने एग्जाम्पलर से हम पहले रिवीजन कर रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अब हम इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में किए थे. नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज एग्जाम्पल 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो वैल्यू हमें इजीली फाइंड आउट करनी आती है. हमें ये जो सेकंड पार्ट है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यहाँ पे हम ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू -2 पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू. लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम -2 पे पावर लगाएंगे. सो वी विल पुट दी ब्रैकेट एंड देन उसके बाहर से हम पावर लिखेंगे, बिकॉज हम इस बार -2 को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ 2 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो अगर क्यूब है तो उसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर स्क्वायर करना है हमें -2 का, दैट मीन्स हम -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसीलिए उस केस में आंसर पॉजिटिव आएगा. तो आप ये वैल्यू खुद निकालोगे, बिकॉज हम इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट इज़ द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन 4x² -3xy. यहाँ पे टर्म्स भी हमने यही समझा था, ये भी आप खुद कर सकते हैं. लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, रीड करना 4x², जैसे ही प्लस या माइनस दिख जाए वहीं पे ही रुक जाना है. तो 4x² इज़ 1 टर्म. फिर माइनस से स्टार्ट करेंगे, -3xy, दिस इज़ अनदर टर्म. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन जिन चीज़ों से मिलकर ये बना है, जिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये टर्म बना है. तो इट कैन बी -5. x² का मतलब होता है 2x, इट मीन्स x इंटू x. वाई स्क्वायर का मीनिंग भी y इंटू y एंड देन आएगा z. नेक्स्ट सेवेंथ इज़ आइडेंटिफाई द बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल तो हमें कोई बाइनोमियल नज़र नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले हम हर एक पार्ट में ऑप्शन में जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल चेक कि जो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इज़ दैट बाइनोमियल और नॉट. तो ये भी आप खुद करोगे. नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ स्कार्व्स ऑफ लेंथ 1/2 मीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम y मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज़. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज 2y. वो कैसे होगा, अब क्वेश्चन में टोटल लेंथ जो क्लॉथ की है वो y मीटर्स है. लेंथ ऑफ ईच स्कार्फ, वन स्कार्फ की जो लेंथ है वो 1/2 मीटर्स है ना. तो अगर एक टोटल वाई लेंथ को मैं 1/2 मीटर्स में डिवाइड कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर मुझे नंबर ऑफ स्कार्फ्स निकालना है तो मैं इस वाई को डिवाइड करूँगी 1/2 से. एंड हम डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को इनटू लगा देते हैं एंड इट विल बी रेसिप्रोकल. सो आंसर विल बी 2y. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 14th, विच इज़ x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 15th क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डायगनल्स दैट वी कैन मेक फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन इज. हम किसी एक वर्टेक्स से किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में कितने डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल दो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लाइव क्लास में, बट स्टिल वी विल चेक अगेन. सी यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉलीगन्स बनाए हैं. वन इज़ 3-sided पॉलीगन, दैट इज़ ट्रायंगल. अनदर इज़ 4-sided, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल. देन इज़ 5-sided पेंटागन एंड देन इज़ 6-sided हेक्सागन. अगर मैं सिर्फ एक वर्टेक्स से ध्यान दूँ, डायगनल होता है अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस वर्टेक्स से या तो मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन वो तो साइड हो जाएगी. इसी वर्टेक्स से अगर मैं इस वर्टेक्स को ज्वाइन करूँगी, अगेन वो भी एक साइड है. ये जो हमारी लाइन ज्वाइन करी वो तो साइड है ना, डायगनल तो नहीं है. यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे पास ये वर्टेक्स है, अगेन अगर मैं इस वर्टेक्स को ज्वाइन करती हूँ तो वो तो साइड हो जाएगी. यहाँ पे भी ज्वाइन करूँगी वो भी साइड ही होगी, बिकॉज हम ये जो लाइन है वो तो साइड है. तो डायगनल हमारे पास सिर्फ एक बनता है जो इस वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है. देन पेंटागन में हमारे पास 2 डायगनल्स हैं, हेक्सागन में 3 डायगनल्स हैं. तो मुझे एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उनसे 3 कम, 3 लेस डायगनल्स हमारे बन रहे हैं. दैट मीन्स अगर n साइड्स हैं तो डायगनल्स n-3 होगा.
देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. इन द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर द न्यूमेरिकल कांस्टेंट. न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या होता है? ऑब्वियसली जो कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है. 22/7 हम यूज़ करते हैं, हम 3.14 भी यूज़ करते हैं ना, सो दैट इज़ कांस्टेंट क्योंकि वो नंबर है और नंबर कभी चेंज, नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है. सो पाई इज द कांस्टेंट. नेक्स्ट इज 21. इन द एक्सप्रेशन 2πr द अल्जेब्रिक वेरिएबल इज. यहाँ पे हमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, नंबर है, फिक्स वैल्यू होती है, पाई अगेन पाई की भी फिक्स वैल्यू है, आर कैन बी चेंज्ड क्योंकि वो सर्कल पे डिपेंड करता है, सर्कल छोटा है बड़ा है, कैसा सर्कल है, उसका रेडियस कैसा होगा, दैट डिपेंड्स. तो इसीलिए यहाँ पे अल्जेब्रिक वेरिएबल इज आर. नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स इन द एक्सप्रेशन आर. सबसे पहले तो हमें इनका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तभी जाके हमें इसके लाइक टर्म्स पता चलेंगे. तो अब यहाँ पे हमने लाइक टर्म को, जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो हमें यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स मिला, जिसमें से एन एंड सिक्स एन इन दोनों के ही अंदर बिल्कुल सेम वेरिएबल है एन. वेरिएबल तो इसमें भी एन है. फिर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे n का स्क्वायर था, यहाँ पे n की पावर 1 है और यहाँ पे भी n की पावर 1 है. दैट मीन्स एग्जैक्टली सेम है, वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है. दैट मीन्स ये दोनों ही n एंड 6n आर बोथ लाइक टर्म. इसके बाद आते हैं हम 25th क्वेश्चन पे. द स्पीड ऑफ कार इज़ 55 किलोमीटर पर आवर. हमें स्पीड गिवन है, डिस्टेंस कवर कितना होगा, फिल इन द ब्लैंक करना है हमें, इन वाई आर्स दैट मीन्स टाइम हमें गिवन है. तो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो दैट मीन्स 55 मल्टीप्लाइड बाय वाई. अब मल्टीप्लाइन का प्लाई का साइन हम हटा देते हैं, सो वी विल गेट 55 वाई. 28th इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज सेम एज माइनस ए माइनस एंड ब्रैकेट. इसका मतलब ये हो गया, ये जो b एंड c हैं दोनों का माइनस ब्रैकेट के बाहर आ चुका है. तो जब दोनों का माइनस ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा कॉमन, तो इनके पास प्लस बचेगा. दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर b प्लस c आएगा.